हेलो नमस्कार और वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 18 फरवरी है डियर फ्रेंड्स, आज मंडे है ना। आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। तो आज आप हम सब के अंदर एक नई एनर्जी होती है ताकि हम इस पूरे वीक को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकें। आज एक पुलवामा अटैक और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल जो लिखा है ये एक आर्मी के एक्स ऑफिसर ने लिखा है, तो उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है। 16th लोकसभा का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है। फिर दिल्ली डिलेमा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बातचीत कर ली है, लेकिन आज कुछ दो तीन नए पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चलती रहती है ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ एक केस आया था कुछ दिनों पहले। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपना एक डिसीजन लिया है, तो ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और ये जो स्ट्रेंज इमरजेंसी है, ये USA में जो इमरजेंसी चल रही है इसके ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, या आप कह सकते हैं नए प्राइम मिनिस्टर जो बने इमरान खान, उन्होंने काफ़ी सारी प्रोमिसज़ की थी अपने इलेक्शन कैंपेन में भी, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे पॉजिटिव स्टेप्स उठाए थे, पॉजिटिव स्टेप्स पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान। उन्होंने जो लग्जरियस चीज़ें थी वो बंद की, बहुत सारे स्टेप्स लिए। लेकिन आज भी जब हम भारत और पाकिस्तान के बारे में बातचीत करते हैं, या फिर इन दोनों देशों के रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो आर्मी जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में एक अनऑफिशियल, आप कह सकते हैं इसको कहते हैं द एस्टैब्लिशमेंट, और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इसमें है आर्मी, और आर्मी के साथ है वहाँ की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। तो सबसे पावरफुल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में तो वो है वहाँ की आर्मी, और आर्मी के जो चीफ होते हैं ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान। हमने कई बार पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि आर्मी के जो चीफ हैं उनकी अनुमति के बिना भारत के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं उनको आप एक अच्छे लेवल तक नहीं ले जा सकते। लेकिन कुछ सिग्नल्स जो हमें पाकिस्तान से मिल रहे थे वो ये एक नए सिग्नल्स मिल रहे थे। ये सिग्नल्स इस बात के ऊपर इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है अब चीज़ें बदलना चाहता है। इमरान खान ने नए पाकिस्तान के बारे में बात की, उन्होंने भारत के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बात की। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें रिसेंट पास्ट में देखने को मिली थी वो ये थी कि करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान ने प्रपोज़ किया था, इस करतारपुर कॉरिडोर की जो एक सेरेमनी थी उसमें भी वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं मिस्टर बाजवा वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो ऐसा लगा कि आर्मी की भी परमिशन मिल गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि उरी के बाद हमने जो भी ऑफिशियल बातचीत हमारे और पाकिस्तान के बीच में चलती थी वो भारत ने बंद कर दी थी। भारत ने बार बार इस चीज़ को कहा है कि टॉक्स एंड टेररिज्म, या टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आपको टेररिज्म बंद करना होगा, अगर टेररिज्म कंटिन्यू रहा तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। ये एक क्लियर लाइन हमने उनको बता दी है, और उरी के बाद तो हमने बातचीत बंद ही कर दी थी। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर एक नई चीज़ थी, एक नया आप कह सकते हैं माइलस्टोन आया दोनों देशों के रिलेशनशिप के बीच में, खास करके उरी के अटैक के बाद। क्योंकि ऑफिशियल्स बातचीत नहीं चल रही थी लेकिन फिर भी करतारपुर कॉरिडोर जो प्रपोज़ किया तो हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने उसको एम्ब्रेस किया। लेकिन फिर हुआ पुलवामा। पुलवामा में हम जानते हैं कि 40 हमारे जो CRPF पर्सोनल हैं तो उनके ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ, वो शहीद हुए, और देश का क्या एटमॉस्फेयर है ये हम सब जानते हैं, इज़न्ट इट। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में पिछले 30 सालों से प्रॉक्सी वॉर सिचुएशन चल रही है। अब ये प्रॉक्सी वॉर होता क्या है? देखिए, जो युद्ध होता है दो देशों के बीच में, अगर युद्ध होता है तो ये ऑफिशियल लेवल पर एक युद्ध होता है। दोनों देशों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक दूसरे के साथ फाइट करती है, तो उसको हम कहते हैं एक प्रॉपर वॉर। लेकिन प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है कि टेररिस्ट और इस प्रकार के जो घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इनका उपयोग करके किसी एक देश को परेशान किया जाए, उनको बिजी रखा जाए,
उनका जो भी एक एजेंडा है यहाँ पर, जो कश्मीर का एक एजेंडा है पाकिस्तान का, उसको अलाइव रखने के लिए, उसको न्यूज़ में रखने के लिए, ये सारी चीज़ों को एक फ्रेश रखने के लिए पाकिस्तान जो हैं उन्होंने पिछले 30 सालों से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रॉक्सी वॉर की सिचुएशन क्रिएट की है। लोगों को, यंगस्टर्स को रेडिकलाइज्ड करते हैं, पैसे प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पनाह देना, सेफ हेवंस प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में एक लंबे टाइम से चलती रहती हैं। लेकिन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ये जो बड़े बड़े धमाके बॉम्ब्स हैं और जो कार बॉम्ब्स हैं, आजकल कार बॉम्ब्स जो हैं ये काफ़ी ट्रेंड में हैं, खास करके कार बॉम्ब्स जो हैं वो सीरिया में, फिर इराक में, अफगानिस्तान में, इनफैक्ट पाकिस्तान के इंटरनल कुछ एरियाज़ में कार बॉम्ब्स जो हैं इनका उपयोग बहुत सारे अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। लास्ट टाइम जब हमें इस प्रकार का ट्रेंड हमारे देश में देखने को मिला था वो था 2008 में और 2004 में, दोनों टाइम पर हमारी जो आर्मी की बस हैं उनको टारगेट किया गया था बाय यूजिंग दिस इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि IEDs या फिर इस प्रकार के कार बॉम्ब्स का उपयोग किया गया था। अब खतरा ये है कि फिर से इस प्रकार के कार बॉम्ब्स जो हैं वो रिटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है, उनके लिए तो ये सक्सेस है, तो ये जो सक्सेस मिला है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा कार बॉम्ब्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे फिर हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, इसी के साथ साथ जो थ्रेट पोटेंशियल हैं उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। यह प्रॉक्सी वॉर को एक नई लाइफ, शायद ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो दे सके, और ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। पाकिस्तान जो है ये सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो इस प्रकार की हमने कभी भी अर्लियर हिस्ट्री देखें अगर इस प्रॉक्सी वॉर की, तो उस टाइम पर हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही हैं। एंड द थिंग इज़ कि पाकिस्तान की वैसे देखा जाए तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान ये FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सर्वेलेंस के अंदर है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनका बहुत बिगड़ चुका है, उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है, इतना कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान जो है धीरे धीरे स्ट्रोंग होते जा रहा है। अब एक दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान एक और चीज़ से कंसर्न है, खास करके इनका जो द एस्टेब्लिशमेंट है वो, पाकिस्तान के जो भी ये प्रॉक्सी वॉर के जो भी सिपाही हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हंट डाउन किया है, उनको न्यूट्रलाइज किया है, राइट, एक बहुत बड़ी मात्रा, खास करके पिछले 2 सालों में अगर देखें तो बहुत सारे टेररिस्ट मॉड्यूल्स को, बहुत सारे टेररिस्ट को इंडिया की डिफेंस फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन एक और चीज़ है कि पाकिस्तान इतने ही, जितने मान लीजिए कि हमने 1,000 इस प्रकार के टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है, तो नए 1,000 जितने जो टेररिस्ट या फिर यंगस्टर्स हैं उन्होंने इस प्रकार की जो मॉड्यूल्स हैं उनको ज्वाइन किया है, तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ से, या फिर इतना कॉन्फिडेंस हमें पाकिस्तान में देखने को क्यों मिलता है? एक तो है चाइना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हर बार चाइना जो है अपने वीटो पावर का उपयोग करके पाकिस्तान को बचा लेता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यूएसए अफगानिस्तान में से निकलने की बात कर रहा है, यूएसए थक चुका है अफगानिस्तान में जो एक पिछले 18-19 ईयर से जो वॉर चल रही है जिसमें इन्वॉल्व हैं तालिबान के खिलाफ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो एक वॉर यूएसए अफगानिस्तान में प्ले कर रहा है, तो इससे अब यूएसए भी थक चुका है और यूएसए यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, और इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान की मदद के बिना ये जो एक विड्रोवल है यूएसए का वो नहीं हो सकता, तो इससे भी पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस मिला है। नो डाउट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, और नॉट ओनली मोदी बट जितने भी टॉप लेवल के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हम कल बात कर रहे थे कि भारत एक होकर बात कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी अपनी अलग अलग स्पीचेस में भी हाल ही कुछ एक दो दिन में ये भी बात क्लियर कर दी है कि
जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको फ्री हैंड दिया गया है, वो जब चाहें जैसे चाहें वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हमें कुछ इस प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशंस, जो सीक्रेट ऑपरेशंस हम कहते हैं, इस प्रकार के ऑपरेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, ट्रांस बॉर्डर रेड्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स या फिर इससे भी ज़्यादा लेवल की, जहाँ पर एयरफोर्स का उपयोग करके जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान जो है वो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू रेसिप्रोकेट, दे आर गोइंग टू, ये इनको लाइटली नहीं लेंगे। तो एक टेंस सिचुएशन तो हमें कुछ टाइम तक देखने को डेफिनेटली मिलेगी। दूसरी एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, जो राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट था कि जो हमारे कश्मीरी लोग हैं जो हमारे देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, तो उनके साथ किसी भी प्रकार की यू नो नाइंसाफ़ी ना हो, उनका हरासमेंट ना हो, उनको उनको मारा पीटा ना जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एकता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसे केसेस हमें देखने को मिले तो फिर जो टेररिस्ट हैं या फिर जो इनका एजेंडा है वो यही है, या वो यही बताना चाहते हैं या फिर ये लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ भारत में बहुत अन्याय हो रहा है। यू नो तो यूनिटी इज़ something that we have to maintain as a society. तो ये है आज का ये जो आर्टिकल है, द चैलेंज इन पुलवामा अटैक। तो उसके बाद ये IEDs और भारत के स्टेप्स और ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात हुई है। I'm sure ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी आपके लिए समझने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ यू नो जनरल अवेयरनेस एक रहती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जनरली जानते रहते हैं। द 16th लोकसभा फैड, 16th लोकसभा जो हैं तो अब इलेक्शंस होने वाले हैं, और टोटल आवर्स अगर देखें पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस अगर इसका रिव्यू किया जाए, तो टोटल 1615 आवर्स के लिए पार्लियामेंट्स जो हैं वो बैठी, और ये टोटल जो एक जो फुल टर्म होती हैं तो उसका 40% लोअर था। तो यहाँ पर देखिए जो पार्लियामेंट हैं वहाँ पर हमारे देश के साथ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर 40% कम बैठक हुई है या फिर 40% कम काम हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पूरे देश का 40% नुकसान हुआ है। लोकसभा जो है ये 331 डेज के लिए मिली, और इससे पहले की एवरेज अगर निकाले तो इट वॉज़ 468 डे। 16% हमारा समय जो है वो बर्बाद हुआ पार्लियामेंट का बिकॉज ऑफ डिसरप्शन। एक चीज़ कॉमन है हमारे देश में कि MPs जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो प्ले कार्ड्स लेकर आ जाते हैं, फिर जो बीच का जो वेल है राइट तो वहाँ पर आ जाते हैं, चीज़ों को डिसरप्ट करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली, लेकिन 15th लोकसभा में कुछ पेपर स्प्रे लेकर आए थे और ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी इस प्रकार के प्ले कार्ड को कैरी करना, डिसरप्शंस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्वेश्चन आवर्स में, लोकसभा लॉस्ट है थर्ड, यानी कि 33% जितना टाइम जो है वो क्वेश्चन आवर का लॉस्ट हुआ लोकसभा में, और राज्यसभा में 60% जितना। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नेगेटिव ही हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमने पास किए हैं, बहुत सारे लॉज बिल्स पास किए हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। फिर बैंकरप्सी कोड लाया गया, IIM एक्ट लाया गया, जिससे जो IIM हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनको ऑटोनॉमी दी गई जो दूसरे पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं है। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया, जिसमें 16 से 18 साल की उम्र के अगर कोई बच्चे हैं, अगर वो कोई हीनियस क्राइम करते हैं तो फिर उनको एडल्ट की तरह ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फिर मेंटल हेल्थ हैं, एड्स के साथ जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स पास किए गए, जो दिव्यांग्स हैं उनके लिए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो इनको लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें सिर्फ ब्राइब लेना ही नहीं लेकिन ब्राइब देना भी एक ऑफेंस है, तो ये कुछ चेंजेस लॉ में हमें देखने को मिले। आधार एक्ट, जिसमें बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम आइडेंटिटी सिस्टम, तो इसको पास किया गया। तो ये कुछ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक, जो पैसे लेकर दूसरे देशों में भाग जाते हैं तो उनको पकड़ना, उनकी जो एसेट्स हैं चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो तो उनको कॉन्फिस्केट करना, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लॉज जो हैं वो लोकसभा ने, 16th लोकसभा ने पास किए हैं।
अब इस आर्टिकल में मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो ये उठाया जा रहा है कि जिस प्रकार से बिल पास किए गए हैं इसके ऊपर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे कि आधार जो एक्ट है इसको एक मनी बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मनी बिल के बारे में आप जानते होंगे कि मनी बिल जो है ये राज्यसभा में, इसमें सिर्फ आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस राज्यसभा दे सकती हैं, लेकिन मनी बिल जो है वो लोकसभा में, लोकसभा के पास ही पावर्स हैं, लोकसभा ही एक मेजॉरिटी सपोर्ट के माध्यम से लोकसभा जो है इसको पास कर सकता है। अगर राज्यसभा में जब ये मनी बिल जाता है और राज्यसभा के मेंबर्स या फिर राज्यसभा अगर इसमें कोई रिकमेंडेशंस देती हैं तो इट डिपेंड्स ऑन लोकसभा कि उनको ये रिकमेंडेशंस पास करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, नहीं करने हैं, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट डज़ नॉट हैव टू रिप्लाई टू राज्यसभा, डायरेक्टली लोकसभा का ही पावर है मनी बिल के ऊपर। तो आधार को जब पास किया गया है उस टाइम पर हमारे जो गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आधार के जो, आधार के साथ जुड़ी हुई जो एक्ट हैं और आधार के द्वारा जो पैसे दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, तो इसलिए आधार जो है ये एक मनी बिल है। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसका डिसीजन लिया था और आधार को फिर एक मनी बिल के तौर पर एक स्वीकृति दी थी या फिर एक ग्रीन सिग्नल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो डिसीजन था वो टेक्निकली देखा जाए तो सही नहीं था, लेकिन एनीवे सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इफ़ देर आर एनी प्रॉब्लम्स तो फिर इसको फिर से एक रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होगी, लेकिन सो फार ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस ए बिल एज मनी बिल इफ़ इट कंटेन्स प्रोविजन दैट एक्सक्लूसिवली रिलेट टू टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर कोई बिल जो है जो खास करके टैक्सेस के साथ और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है तभी उसको मनी बिल कहा जाता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि फाइनेंस बिल जो होते हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों अलग होते हैं, फाइनेंस बिल जो होते हैं वो जनरली बजट के साथ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और फाइनेंस बिल जो है वो टैक्सेस के साथ अगर कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फाइनेंस बिल। तो एक प्रकार से ये मनी बिल है और फाइनेंस बिल जो है पिछले कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रहा है कि फाइनेंस बिल इस प्रकार के इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिसका रिलेशन ना तो टैक्सेस के साथ है ना तो कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, जैसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, राइट। तो ये कैसे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनको FCRA, आपने कई बार FCRA सुना होगा न्यूज़ में, तो ये जो FCRA है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो डोनेशंस मिलता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक एक्ट है, तो इसको फाइनेंस बिल 2016 के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। फिर 2017 में फाइनेंस बिल जो है ये काजी जुडिशियल बॉडीज जैसे कि सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट इन एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो इस प्रकार के जो काजी जुडिशियल बॉडीज़ हैं तो उनके कंपोजिशन और चेंजेस में इस प्रकार के फाइनेंस बिल के माध्यम से इसमें चेंजेस किए गए। और ये जो मनी लॉन्डरिंग का जो एक लॉ है उसको भी फाइनेंस बिल 2019 के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। तो ये कुछ प्रश्न उठा रहे हैं राइटर कि ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है उनको। इसके साथ ट्रिपल तलाक और सिटीजन बिल जो हैं वो लोकसभा में से पास किए गए थे लेकिन राज्यसभा में इनको कुछ हर्डल्स फेस करने पड़े, और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि लोकसभा में तो जो गवर्नमेंट है उनकी मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो वो राज्यसभा को कन्विंस नहीं कर पाए, गवर्नमेंट जो है वो कन्विंस नहीं कर पाई विथ इट्स बिल। तो यहाँ पर जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट जो है वो तीन इम्पोर्टेंट, एक ट्रायंगल समझ लीजिए, एक तरफ है प्रेसिडेंट, फिर है लोकसभा और है राज्यसभा। बिल जो है वो राज्यसभा या फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन मनी बिल है तो फिर लोकसभा में ही आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो लोकसभा में अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर राज्यसभा में जाएगा, यहाँ पर अप्रूवल मिल गया, फिर यहाँ पर अप्रूवल मिल गया और उसके बाद जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट के दस्तखत होते हैं तब वो लॉ जो है वो हमारे देश का कानून या फिर बिल जो है वो कम्प्लीटली पास हो जाता है। तो राज्यसभा में अगर कुछ इम्पोर्टेंट बिल्स अटके हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट का एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो उस बिल के साथ एग्री नहीं करता है, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी प्रोसेस का।
ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट ना होना भी एक डेमोक्रेटिक सिग्नल है, यू नो. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट बिल्स वहाँ पर रेजिस्ट हुए हैं, तो ये भी कुछ प्रश्न उठाते हैं. और दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट, कि ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि पार्लियामेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए. और एक एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, राइट, और ये पिछले कई टाइम से ये एक ट्रेंड आया है. देखिए, एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, अब एमपीज को इलेक्ट करते हैं लोग, राइट, जो जो सिटीजन्स हैं वो वोट करते हैं और एमपीज को भेजते हैं. एमपीज अलग अलग पार्टीज़ के हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, और उनके कोई एक एमपी किसी एक बिल में कोई इश्यू है या फिर वो उस चीज़ से राज़ी नहीं है, तो भी उनको जो है पार्टी का जो मेन डिसीजन है उनके साथ ही उनको रहना पड़ता है. अगर पार्टी का डिसीजन ये है कि इस वोट को ग्रीन सिग्नल देना है, तो फिर एमपीज जो हैं वो और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, वरना अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो फिर डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू होगा कि उन्होंने पार्टी के साथ, जिस पार्टी के अम्ब्रेला के तहत या फिर फ्लैग के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, उसी पार्टी के खिलाफ वो जा रहे हैं. तो फिर एमपीज का जो एक वॉइस है, उनका जो एक अधिकार है, वो शायद कहीं ना कहीं इस इन ये जो ट्रेंड चल रहा है इससे आप कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसमें भी हमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हम सबको, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनके लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो कोई लॉ से या फिर कोई चीज़ से राज़ी नहीं है तो उनको ये अधिकार देना चाहिए कि वो इसके ऊपर आपत्ति जो है वो एक्सप्रेस कर सकें. लेकिन दिस थिंग्स आर बिट डिफ़िकल्ट, राइट, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, थोड़े प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं. तो लेट्स होप के फ्यूचर में, होपफुली 17th लोकसभा में हमें इस प्रकार के कोई चेंजेस देखने को मिले, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन हैं या फिर वो जो उनका जो मेन काम है एमपी का वो फुलफिल कर सके. बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में, ये दिल्ली डिलेमा है. अब बहुत ही क्विकली हम बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसके बारे में बातचीत कर ली. आपको पता है कि दिल्ली की एक गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है. अब दोनों के बीच में एक लंबे टाइम से चीज़ें इतनी सीवियर नहीं थी, लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट अलग आई और दिल्ली गवर्नमेंट में एक अलग पार्टी आई है, तब से ये जो एक तनाव है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट का हाल का जो डिसीजन था वो एक स्प्लिट डिसीजन था, और ये डिसीजन जो है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को सोल्व किया गया है, जैसे कि जो स्टैम्प ड्यूटी के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, रिवाइज स्टैम्प ड्यूटी, फिर टैक्स को लगाना, फिर प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना, फिर हैं इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर तो क्लैरिटी आ गई है, लेकिन आज भी सबसे बड़ा जो इश्यू है, मैटर है, वो ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको क्या दिल्ली गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का इनमें अधिकार होगा या फिर वो सारे डिसीजंस ले पाएंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है लास्ट ईयर ये बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एक्ट एड एंड एडवाइस हैं उसके ऊपर काम करें, या फिर प्रेसिडेंट जो उनको बता रहे हैं वो करें. प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एलजी को बताती है कि आपको ये करना है नहीं करना, तो फिर एलजी को वही चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन सिविल सर्विसेज की जब बात करें तो दोनों जजेस ने ये बताया है कि दिल्ली की कोई खास अलग से सिविल सर्विसेज या फिर सर्विस नहीं है. दिल्ली जो हैं उनके सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो डेनिक्स कैडर, डेनिक्स का मतलब है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिविल सर्विसेज. तो डेनिक्स कैडर में से उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, और ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ हैं और उनको फिर डेनिक्स कैडर दिया जाता है. तो जस्टिस सिकरी जो है उनका कहना यह है कि जो ये दिल्ली का जो डिपार्टमेंट है, राइट, तो वो ऑफिशियल्स अगर यू नो एनसीटीडी जो हैं उनके पास पावर है कि कुछ ऑफिशियल्स को वो अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सके, लेकिन जब बड़े ऑफिसर्स की बात आती हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं या फिर उससे हायर रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, तो उनका ट्रांसफ़र या फिर उनमें जो भी चेंजेस करने हैं तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे. और जस्टिस भूषण हैं उनका कहना ये है कि
क्योंकि दिल्ली की कोई खास अलग से सर्विस नहीं है, तो फिर देर इज़ नो पॉइंट कि ऐसी कोई बात ही नहीं बनती है कि दिल्ली गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजंस ले। तो अब ये एक लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की इस मैटर को डिसाइड करने वाली है। फिर बात करते हैं स्ट्रेंज इमरजेंसी के बारे में। यूएसए में इससे पहले भी एक इमरजेंसी सिचुएशन, एक शटडाउन हुआ था गवर्नमेंट का, 35 डेज के लिए गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन रही। 9 सेंट्रल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं वो बंद रही और कुछ 8 लाख जितने वर्कर्स जो हैं वो फर्लो पर थे। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ देश का। और ये सारी चीज़ें तब हुई जब मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बॉर्डर वॉल क्रिएट करने की एक डिमांड की, और इस बॉर्डर वॉल के लिए उनको जो वहाँ की पार्लियामेंट है कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, और इसके लिए उनको कुछ $5.7 बिलियन की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। तो फिर मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये शटडाउन कर दिया। अब वहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है और इतिहास में ये एक यू नो इट इज़ द लॉन्गेस्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लास्ट टाइम 911 जब हुआ था उस टाइम पर इमरजेंसी हमें देखने को मिली थी, और यहाँ पर जब इमरजेंसी यू नो सेकेंड टाइम हमें देखने को मिली है रिसेंट पास्ट में। तो अब ये हो सकता है कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स हैं, तो इस प्रकार की इमरजेंसी के टाइम पर जो मिलिट्री और डिज़ास्टर रिलीफ बजट होता है इसका उपयोग जो भी क्राइसिस है सामने इसको टैकल करने के लिए किया जा सकता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ट्रंप है वो किसी भी हाल में इस वॉल को क्रिएट करना चाहते हैं, और इस डिसीजन से उनके जो सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी इससे राज़ी हैं, या फिर उनको मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मिस्टर ट्रंप का कहना यह है कि हर रोज़ कुछ 2014 की बात करें तो कुछ 2000 जितने लोग जो हैं वो यूएसए में इलीगली आने का प्रयत्न कर रहे थे, और ये आंकड़ा जो है वो कई बार ये भी बताया जा रहा है ये आंकड़ा थोड़ा एक्सैजरबेटेड है या फिर एक बड़ा करके लोगों के सामने रखा जा रहा है। खास करके मेक्सिको से जो लोग आते हैं तो उनको रोकने के लिए वो ये वॉल बनाना चाहते हैं। नाउ द थिंग इज़ के जो डेमोक्रेट्स हैं वहाँ पर दो पार्टीज हैं, तो डेमोक्रेट्स जो हैं अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कंट्रोल उनके पास में है, उनके पास ज़्यादा सीट्स हैं, तो फिर वो इस इमरजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और रिपब्लिकन जो हैं दूसरी पार्टी, जो मिस्टर ट्रंप रिपब्लिकन हैं, तो रिपब्लिकन कंट्रोल्ड सेनेट जो हैं वो शायद इस ये पूरी टसल में डेमोक्रेट्स का सामना ना कर पाएं। लेकिन ये जो डिसीजन मिस्टर ट्रंप ने लिया है इससे जो दूसरे देश हैं जिसके साथ यूएसए अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं मिस्टर ट्रंप के आने के बाद, तो चीज़ें काफ़ी सेंट्रलाइज्ड हो चुकी हैं। तो इससे यूएसए के जो रिलेशनशिप हैं दूसरे देशों के साथ, खास करके अपने पड़ोसी देशों के साथ, वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनको जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी तो इसको विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अब कमर्शियल फ्लाइट्स के माध्यम से जो सिक्योरिटी पर्सोनल हैं उनका जो मूवमेंट है श्रीनगर दिल्ली श्रीनगर या फिर श्रीनगर जम्मू श्रीनगर, तो ये मूवमेंट फ्लाइट के माध्यम से किया जाएगा। ये पुलवामा अटैक के बाद ये एक बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। फिर पंजाब का स्टेट एनिमल है ब्लैक बग, और ब्लैक बग जो हैं आपको अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रे कैटल हैं, फिर जो डॉग्स हैं, और हैबिटेट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, फिर यू नो क्लाइमेट चेंज, तो ये सारी चीज़ों से यहाँ की ब्लैक बग की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। और कुछ 25 ब्लैक बग्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी 2018 में, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पंजाब का जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बग। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, ये म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये 55th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ग्लोबल लीडर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स दुनिया के अलग अलग देशों से आए थे। तो यहाँ पर यूएसए, जर्मनी, रशिया, बांग्लादेश, मंगोलिया, आर्मेनिया, ओमान, अफगानिस्तान, फिर नेटो के मेम्बर्स हैं उज़्बेकिस्तान से, तो ये सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर आए थे। और हमारे देश से डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पंकज सरन ने देश को रिप्रेजेंट किया था, और उस टाइम पर पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर की जाती है टेररिज्म, तो इसके बारे में चर्चा हुई। ईरान ने भी पाकिस्तान को एक सीवियर वार्निंग दी है। पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं
उन्होंने वहाँ के ईरान के रेवोल्यूशनरी 27 रेवोल्यूशनरी गार्ड की हत्या कर दी है एक सुसाइड बॉम्बिंग में, और इससे ईरान जो है वो काफ़ी नाराज़ है पाकिस्तान से और एक बड़ी वार्निंग दी है कि अगर आपने ये बंद नहीं किया तो वॉर लाइक सिचुएशन ईरान और पाकिस्तान के बीच में हो सकती है। अगेन पाकिस्तान न्यूज़ में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आज आपके लिए प्रश्न है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो आज से लेकर थर्सडे तक जो कुलभूषण जाधव हैं उनका केस डिस्कस किया जाएगा, और इससे पहले 2017 की बात करें तो 10 मेंबर वाली जो ICJ की बेंच है इसने ऑर्डर दिया था पाकिस्तान को कि जब तक ICJ इस पूरे मैटर को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक आप कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकते, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे हरीश सालवे साहब। साइंटिस्ट ने एक मैसिव माउंटेंस डिस्कवर किए हैं, बड़े माउंटेंस डिस्कवर किए हैं अर्थ के मेंटल एरिया में। तो आपने हमने किताबों में ये चीज़ पढ़ी है स्कूल में, राइट, जो हमारी पृथ्वी है उसके कुछ लेयर्स हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो क्रस्ट है, फिर मेंटल एरिया है और कोर एरिया है, तो ये तीन एरियाज है। तो यहाँ पर जो एक अपर मेंटल है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक यहाँ पर जो आपको लाइन ये दिख रही है, तो ये है 660 किलोमीटर बाउंड्री। इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है तो रिसर्चर्स ने इसको नाम दे दिया 660 किलोमीटर बाउंड्रीज, और यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ऐसा साइंटिस्ट जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आपके लिए वोकैब है बेट, कन्फाउंड, एमनेटिंग, हैकल्स एंड ओवरटियर्स। दैट्स एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जो फाइनेंशियल और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में कैटर किए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।